नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बापी और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स लव गार्डनिंग। तो आज फ्रेंड्स सबसे हम शेयर करेंगे कि हमारे गार्डनिया के प्लांट में किस तरीके से हम फ्लावर लें और उसके जो परेशानियां आता हमारे कि गार्डनिंग प्लांट में गार्डनिया के प्लांट में हमें अक्सर दिखाई देता कि इसका बड ड्रॉपिंग और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बता देंगे आपको। और इसका मेन और एक रीज़न आता है कि प्लांट में क्या होता है वो आयरन का डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ आपका क्या होता है इसका लिप्स जो होता है अगले हिस्से से आपका लिप्स इसका टिप्स इसका ब्राउन होगा वो धीरे धीरे इसका आपका लिप्स जल जाता है। वो किस कारण से तो वो भी आज आपको वीडियो में ही शेयर करेंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जाके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को हमेशा हम शेयर कर सकें। तो पहली बात आता हमारे इस पौधे के नेचर को समझ लिए कि इसकी नेचर क्या है। इसका नेचर ऐसा है कि इस पौधे को अगर आपका कोई एक लोकेशन अगर चॉइस कर लें तो उसी लोकेशन पे इसको रहने दीजिए प्लांट को। ऐसा डिस्टर्ब ना करें कि मतलब अगर हमारे पॉट अगर आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह की तो भी इसका फ्लावर का ड्रॉपिंग करता है दिखाई देता है। लेकिन मेन रीज़न इसका जो होता है हमारी सॉइल, अगर सॉइल किस तरीके का बनाए आपको सॉइल, इसको ज़्यादातर हमें क्या है फर्टिलाइज़र इसको पसंद नहीं है। इसको क्या है एक नॉर्मल हम सादा सॉइल बनाएंगे कि जैसे हमारे अगर 50% हमने अगर गार्डन सॉइल लिए तो 50% इसको कावडंग कंपोस्ट ले लीजिए चाहे बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। इसमें क्या होता है हमारी सॉइल को एसिडिक बनाए रखता है, इस पर थोड़ा सा भी अल्कलाइन थोड़ा सा भी पीएच को अनबैलेंस हुआ तो ये बहुत सारी परेशानियाँ आपको पौधे में दिखाई देने लगता है। जैसे आपका लिप्स का ब्राउनिस होना, लिप्स जल जाना, पौधे में बड ड्रॉपिंग होना, ये सब प्रॉब्लम आते रहता है। तो इसको हम सबसे पहले एक एसिडिक बना के रखेंगे। और अगर आपका प्लांट एसिडिक नहीं है तो जैसे एसिडिक नहीं तो उसको एसिडिक बनाने के लिए आपको हम बता देंगे कैसे इसको सॉइल को एसिडिक बनाया जाएगा। तो हर 15 दिन में आप एसिडिक बनाने के लिए आप विनेगर यूज कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अगर आप 1 लीटर पानी में देकर आपको पौधे में दे सकते हैं तो आपका सॉइल एसिडिक हो जाएगा। उसके साथ साथ विनेगर अगर आप जैसे 5 ml अगर हमारा 1 लीटर पानी में दे के 100 से 200 ml हम पॉट में दे सकते हैं वो भी आपका मतलब अच्छा काम करेगा, सॉइल को एसिडिक बनाए रखेगा आपका। और एक रीज़न आता हमारे जो टिप्स का बोल रहे थे कि ब्राउन होना, तो वो हो जाता है क्या से जैसे हम लोग का कभी कभी क्या करते हैं कि गार्डनिया के प्लांट में हम लोग फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं, हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि गार्डनिया का प्लांट क्या है। क्या होता है कि जो गंधराज का पौधा होता है हमारा तो उसमें क्या होता है एसिडिक अगर इसका सॉइल नहीं है, अगर थोड़ा बहुत अल्कलाइन पे चला जाता है जिससे पीएच थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है तो इसमें क्या होता है हम लोग उस टाइम हम लोग समझ नहीं पाते कि पौधे में कि हम लोग फर्टिलाइज़र देते जाते हैं तो उसमें क्या होता है फर्टिलाइज़र को क्या कर सकता है वो आपका एब्जॉर्ब करके रख ही लेता है पॉट में। आगे जाके क्या करता है पौधा धीरे धीरे क्या करेगा वो आपका रूट को बर्न करता है। रूट जैसे ही बर्न हुआ आपका धीरे धीरे प्लांट क्या होगा लिप्स चलते चलते आपका पूरा आपका ब्रांच को भी आपका क्या करेगा वो धीरे धीरे आपको सूखने लगता है, वो बहुत परेशानी आपको दिखाई देगा वो। तो उसके लिए हमें क्या करना सॉइल को हमें थोड़ा बहुत एसिडिक रखना पड़ेगा जैसे हमारे पौधा कोई सा भी हम फर्टिलाइजर दे तो पौधा आगे जाके हमारे ग्रोथ निकाले, उसी में हमें मालूम पड़ेगा कि पौधा हमारा ग्रोथ निकाल रहा है यानी हमारे फर्टिलाइजर को पौधा इंटेक ले कर रहा है। और पौधा अगर इंटेक नहीं कर रहा आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है तो यानी फर्टिलाइजर कहाँ जा रहा है, फर्टिलाइजर आपका पॉट के पॉट में ही पड़ा है इसका मतलब। तो इसमें क्या होता है कि हमें पॉट में अगर फर्टिलाइजर पड़ा है तो अगर कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा तो आपका धीरे धीरे आपका क्या होगा तो वो रूट को बर्न करेगा। उससे हिसाब से हमारे क्या होता है कि जो गार्डनिया का प्लांट अक्सर मर जाता है हमारे प्लांट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक हमें वाटरिंग का भी इसको थोड़ा मैनेजमेंट देखना पड़ता है क्योंकि वाटरिंग अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो भी फंगस के कारण ये सब परेशानी आता है। और बड ड्रॉपिंग हमेशा फंगस की वजह से ही आता है हमारे कि पौधा में थोड़ा बहुत पानी का अनबैलेंस हुआ तो पानी अगर हमारा थोड़ा बहुत गीला रह चुका हो या तो थोड़ा बहुत क्या हुआ अंडर वाटरिंग में भी हमारा बड ड्रॉप करेगा। इसमें बहुत सारी परेशानी आपको दिखने वाली है। तो इसमें हमें क्या करेंगे एक मॉइस्चर मेंटेन करेंगे कि इस कैसा मॉइस्चर कि हमारा एक जैसा हम उसको पौधे को मॉइस्चर दे ज़्यादा गीला भी नहीं रखेंगे। सॉइल को हम अगर हम अच्छे तैयार कर लेते हैं अगर बालू भी आपका है तो उसमें अगर हमने 50% गार्डन सॉइल ले तो सॉइल आपका क्या होगा वो आपका नमी भी बनाए रखेगा उसके साथ आपका ड्रेनेज भी अच्छा बना के रखेगा। आपका अगर चिकना मिट्टी है तो आप थोड़ा सा उसमें सैंड मिला सकते हैं क्योंकि उसमें क्या ड्रेनेज सिस्टम हमें अच्छा तैयार करना पड़ता है। अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो पानी उसको होल्ड करके रखेगा और उसको पानी होल्ड किया ना हमारा क्या होगा गार्डनिया का प्लांट में बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पौधा सेंसिटिव पौधा है इसलिए एक लोकेशन चॉइस कीजिए और इसको ज़्यादा सनलाइट ऐसे मतलब क्या है जैसे अभी हमारे मई-जून की गर्मी में हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखे तो अच्छा है। इनको एक पार्शियल शेड दे जैसे हमारे 10-11 बजे तक हमारा सनलाइट आए तो उसके बाद हमारा क्या हुआ
धीरे धीरे हमारा क्या है अब ऑटोमेटिक हमारा छाया होने लगेगा, तो हमारा क्या प्लांट अच्छा चलता है। ये हमारा देखिए क्या है, इसका नॉर्थ फेसिंग हमारा घर है, तो इसमें थोड़ा बहुत क्या है सुबह के टाइम हमारा धूप आता है, उसके बाद आपका धीरे धीरे क्या होगा 10-11-12 बजे से आप अपने आप इसका धीरे धीरे छाया होते जाता है। तो इसका बर्ड ड्रॉपिंग प्रॉब्लम बहुत हमें कम देखने को मिलता है, इसमें बर्ड की ड्रॉपिंग भी नहीं होता। थोड़ा बहुत हमें इसमें प्रॉब्लम आ रहा है अभी, इसमें है आयरन की कमी आ रहा है, तो आयरन के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मेरे पास है नहीं है और यूज भी नहीं किए हैं, तो लेकिन इसमें फ्लावर आएंगे तो ऊपर भी हमारा वो सॉइल में लगा है, इसलिए हमने इसको कोई केयर इस पर नहीं करते हैं कि पॉट में अगर होता तो इसको हमने केयर करते कुछ, लेकिन सॉइल में है, सॉइल में खुद ऑटोमेटिक वो आपका जितना भी है ज़मीन में हमारा न्यूट्रिशंस होता है वो अपने आप इंटेक्ट कर ही लेगा पौधा। तो इस हिसाब से हमारे अगर गार्डन या प्लांट को हम देखभाल करते हैं तो प्लांट आपका अच्छा चल जाएंगे। और इसकी बात आती है इंसेक्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड क्या होता है इस पौधे में, आपका मिलीबग ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिलीबग क्या करता है, जो बर्ड के नीचे से आपका मिलीबग लगेगा जो उसको क्या करेगा, जो न्यूट्रिशंस होता है जो हमारे बर्ड के पास से, वो न्यूट्रिशंस को क्या करता है वो चूस लेता है, तो जो सक करता है तो सकिंग पेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि बर्ड ड्रॉप उसमें भी आ जाएगा। तो बहुत सारे इसमें आपको चलना चाहिए कुछ, जैसे हमारे हफ्ते में इंसेक्टिसाइड अगर हम यूज करते हैं जिससे रोग अर जाती है, कुछ भी इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो हमारे पौधे में ये सब बीमारी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पानी को थोड़ा सा ध्यान दें, पानी की मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है, इसको एक लोकेशन अच्छा दें, उस हिसाब से अगर पौधे को रखते हैं तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा। सॉयल को एसिडिक बनाए रखें, इसमें एल्केलाइन पसंद नहीं इनको, एसिडिक सॉयल पसंद है, तो एसिडिक सॉयल बनाने के लिए आपको हमने बताई दी कि विनेगर कॉफ़ी पाउडर का यूज कर सकते हैं, इसी प्लांट को आपको देखिएगा प्लांट अच्छा रिजल्ट देगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में ये सब आपका जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जैसे आयरन का, तो उसमें आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट में से एग्रोमिन गोल्ड में तो आयरन का आपका उसमें ज़्यादा मतलब ये है नहीं, तो आप ले सकते हैं रेक्सोलिन CSK बोल के एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट आएगा, उसमें आयरन की मात्रा में ज़्यादा होगी, तो वो अगर आप यूज कर लेते हैं 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोग अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको और एक चीज़ हम बोनस पॉइंट बताते हैं, इसकी प्रोपगेशन के लिए हमें सबसे अच्छा समय इसका बारिश के टाइम, बारिश के टाइम अगर इसका टिप्स को अगले हिस्से को इसको अगर काट के इसको आपका बालू या सैंड में कुछ मतलब अगर गाड़ देते हैं तो प्लांट आपका ऑटोमेटिक आपका प्लांट में रूट डेवलप करेगा और प्लांट अच्छा एक मल्टीपल प्लांट भी बन जाएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।